सो इस वीडियो में मैं ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाया हूँ, क्योंकि CAPF और दिल्ली SI में जो अगर आपने फॉर्म भरा था EWS कैटेगरी से, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ओके। लेकिन EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपकी DV होगी तो आपको जो है वो EWS सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, ओके। और कब तक का जो है वो सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए वो भी मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि देखिए EWS से जो है वो आपको बेनिफिट तो है, वो 10% का रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, ओके। 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि क्रूशियल डेट जो है वो आपका वो कब होगा, 16/7/2020, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 16/7/2020 से पहले का बना होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अगर आपका आपके पास जो है वो 2020-21 का या फिर 19-20 का भी है तो चल जाएगा, ओके। 19-20 वाला भी जो है अगर आपका पास सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, कोई बड़ा लोचा नहीं होता है, वो आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर देते हैं, ओके। प्रोविजनली जो है वो स्टूडेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं और आपको EWS से उतना झंझट होने वाला नहीं है। लेकिन एक फॉर्मेट जो है वो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि कैसा फॉर्मेट है। उससे पहले मैं आपको कुछ और बता कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक टेस्टबुक नाम का ऐप है जिससे जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसको जो डाउनलोड करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। इस ऐप में आप बहुत सारी एग्जामिनेशंस जैसे SSC, ओके, SSC हो गई, रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गई, और भी बहुत सारी एग्जामिनेशंस की जो है वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, और ₹1 से भी जो है वो कम में जो है वो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा है यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ओके। तो आप जो है वो आज ही जाएँ और टेस्टबुक ऐप को इंस्टॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐप। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, और इसकी रेटिंग एंड रिव्यू भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि इसे जो है वो 4.5 रेटिंग मिली है, और वो भी 2.5 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा, ओके। और 50 लाख स्टूडेंट्स इससे ऐप से अपनी तैयारी करते हैं। इस इतना अच्छा और सस्ता ऐप है कि इसकी जो कीमत है वो पहले तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप जो है वो इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अराउंड जो है वो 299 में आप 365 डेज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ओके। लेकिन एक कूपन कोड भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है जिससे आपको जो है वो 269 में जो है ये 365 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज ही जाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से करें, और इस ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, और कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो ये तो हो गई उसकी बात। अब और मैं बातें बताना चाहता हूं कि EWS से रिलेटेड कि आपका जो है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ताकि आपको जो है वो EWS का बेनिफिट मिल पाए। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसी में जो है वो अगर आप EWS टाइप करते हो और जो रिजल्ट्स आती हैं उसमें जो है अगर आप देखोगे तो EWS का एक फॉर्मेट है, देख लो आप, ये एनेक्सर जो 7 है, ओके, वो EWS का ही फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, कि EWS का फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपका जो फॉर्मेट है वो लेवल किस लेवल का बना होना चाहिए, कहाँ से बना होना चाहिए, ये सभी मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे जो है वो आपका गवर्नमेंट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो होगा, यहाँ पे जो है वो EWS सर्टिफिकेट है ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर और डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैलिड फॉर द ईयर, यानी कि कौन सा जो है वो फाइनेंशियल ईयर में ये बन रहा है, और ये जो है वो कौन सा जो है वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर, और वैलिड कौन से ईयर के लिए है, ओके। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और फिर जो है यहाँ पे जो है वो ऑफिसर का जो है वो नेम, सिग्नेचर, ऑफिस, ये सभी दिखाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगवाना होगा। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ में कुछ खास नहीं करना पड़ता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये जो है वो फोटोग्राफ है आपकी, ओके। और तो फोटोग्राफ में आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, ओके, सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे जो है वो आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ओके, आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, बस यही हो गई सेल्फ अटेस्टेड फोटो, ओके। और देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल लिस्ट का जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दें, आप जो है वो सब सर्टिफिकेट बनवाएं तो आप 2 नंबर कॉलम में, ओके, ये जो 2 नंबर कॉलम है इसे पढ़ें, और यहाँ पे आप देखें कि आपका जो है वो सेंट्रल लिस्ट है या नहीं। अगर सेंट्रल लिस्ट नहीं है तो आप कोशिश करें कि जो है वो सेंट्रल लिस्ट का लेटेस्ट जो है वो आप फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का जो है वो बनवा लें, ओके। और अगर नहीं है आपके पास सेंट्रल लिस्ट का तो आप स्टेट लिस्ट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो प्रोविजनली एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे जो है वो सेंट्रल लिस्ट का रहेगा तो आपको क्लियरली एक्सेप्ट करते हैं एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी अपनी क्वेरी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपके सारे डाउट्स का जो है वो आंसर देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, ओके। और आप जाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि बिना तैयारी के जो है वो कुछ नहीं हो सकती है। तो आई होप कि आपको जो है वो EWS से रिलेटेड जानकारी मैंने सारी प्रोवाइड करा दी।
और टेस्ट बुक ऐप को जो है वो डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाएं अपनी तैयारी पहले अच्छे से करें, और फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं EWS के रिगार्डिंग, और तहसील ब्लॉक या फिर ये सभी जगह से जो है वो आप बनवा लें, और DM लेवल से भी या SDO लेवल से भी या तहसीलदार लेवल का भी चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि SDO लेवल का या फिर DM लेवल का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।